हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैं सारा ब्रांच को कवर कर रहा हूँ, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ डेटा साइंस के ऊपर। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे मैं डिस्कशन किया हूँ सीएसई के रिगार्डिंग। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तभी एक आइडिया मिलेगा कि सीएसई और तुम्हारे डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है। तुम लोगों का डिमांड था एआईएमएल के ऊपर, भैया एआईएमएल का बना दो। बट देखो, पहले मैं डेटा साइंस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेटा साइंस का एआईएमएल से बहुत अच्छा लिंकेज है। बताऊंगा एआईएमएल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेटा साइंस के ऊपर, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देख लेना, बनाया हुआ डार्क साइड ऑफ सीएसई, सीएसई लेना है फिर एआईएमएल, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कशन किया हूँ। प्लीज तुम उसे देख लेना, एक आइडिया मिलेगा क्या डिफरेंस होता है सीएसई में, सीएसई स्पेशलाइजेशन में। अगर नहीं देखोगे तो एक आइडिया नहीं मिल पाएगा तुम्हारा सिलेबस के रिगार्डिंग, इसका एक आइडिया नहीं मिल पाएगा। बाकी तुम्हारा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे जो मैं सीएसई का बनाया हूं, तब पता चलेगा सीएसई में कोडिंग का रिक्वायरमेंट होता है, डेटा साइंस में कोडिंग का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता, एक आइडिया मिल जाएगा। आज का वीडियो का एजेंडा क्या है, सबसे पहले बताऊंगा व्हाई डेटा साइंस क्यों। अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा डेटा साइंस लेना भी है या फिर नहीं लेना है। उसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। देखो, सिलेबस जो होता है ना, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, बट 95% सिलेबस सेम होगा तुम्हारा। किसी को तुम्हारा थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, किसी को तुम्हारा फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है, बट तुम्हारा सिलेबस बोल सकते हो 95% सेम रहेगा तुम्हारा। के बाद एडवांटेज ऑफ डेटा साइंस, इसके रिगार्डिंग बताऊंगा क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। देखो, मैं भी इंटर्नशिप जो किया हूँ एज ए डेटा साइंटिस्ट ही किया हूँ, और मेरे साथ जो वीडियो बना रही है अभी बैकएंड पे, जो कोर्स बना रही है वो भी अभी बोल रहे कंपनी में जो काम कर रही है तुम्हारा, आईबीएम में कर रही है तुम्हारा काम, ये भी एज ए डेटा साइंस ही कर रही है। मैं बताऊंगा सर क्या एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम सीएससी ले लेते हो और डेटा साइंस ले लेते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पैकेज का डिफरेंस है, कंपनी किसके लिए आ रही है, ये बता दूंगा मैं। उसके कंपनी विजिटेड और प्लेसमेंट, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। कंपनी जो आ रही है, कौन कौन से कंपनी एज ए डेटा साइंस को प्रेफर कर रही है, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। उसके फ्यूचर स्कोप तुम्हारा क्या हो सकता है, लाइक एआईएमएल जो तुम्हारा आ रहा है, एआईएमएल क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेटा साइंस के ब्रांच के ऊपर, इसके रिगार्डिंग भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बेटर प्लेसमेंट, बेटर प्लेसमेंट किसका होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को तुम देख लेना। चलो बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस। देखो, सिलेबस देखो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबका सेम होता है, लाइक सीएससी का भी, एआईएमएल का भी, डेटा साइंस का भी, सीसी का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, सिविल का भी। इसी कारण से यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे तुम देख लोगे ये केमिस्ट्री ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे देख लोगे ये तुम्हारा फिजिक्स ग्रुप है। तो बताता हूँ क्या होता है, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो, 500 बच्चे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो 500 बच्चे को तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा 250 हो गया, सेकंड पार्ट तुम्हारा 250 हो गया। जिस पार्ट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेगा, सेम पार्ट को ये जो इसका सिलेबस है तुम्हारा, ये सिलेबस को ये पढ़ेगा तुम्हारा, और इसका जो सिलेबस है इसको ये पढ़ेगा तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में। ऐसे इंटरचेंज होता है बच्चे को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। तो सिलेबस तुम्हारा लगभग सेम ही होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। ये तुम्हारा केमिस्ट्री साइकिल का है, देख लो, ये भी तुम्हारा केमिस्ट्री साइकिल का है। ये तो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर था तुम्हारा, इसका डिस्कशन कर दिया, फिर बेसिक बता देता हूं मैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर हो गया। सिमिलरली तुम आ जाओ फिजिक्स साइकिल में, फिजिक्स साइकिल का फर्स्ट सेमेस्टर ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो, फिजिक्स साइकिल का सेकंड सेमेस्टर, यहाँ तक सिलेबस सेम रहता सारा ब्रांच का। जिस बच्चे को ब्रांच चेंज करना है ना, मैं बोल रहा हूँ अभी से मेहनत कर लो फर्स्ट सेमेस्टर, और बोल सकते हो सेकंड सेमेस्टर तुम्हारे पास चांस है। फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है, ब्रांच चेंज नहीं होता है। देखो, सिलेबस चेंज या फिर तुम जिस ब्रांच में हो, लाइक सीएससी में हो, ठीक है, या फिर तुम एआईएमएल में हो, जो भी चेंज होता है तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर के बाद ही होता है। तो तुम यहाँ पे देख लो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा क्या है, सबसे फर्स्ट है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। मेरा एक ही कहना है, जिस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ट्राई करना इस ब्रांच को अवॉइड करने का, अदरवाइज तुम 4 साल रिग्रेट करोगे। कंप्लीट इसमें मैथ्स भरा हुआ है, ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं है तुम्हारा, बट लाइक स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है तुम्हारा। तुम डेटा को कैसे तुम इनसाइड निकाल रहे हो, ठीक है, लाइक तुम्हारे पास रो डेटा है, तुमसे मीनिंगफुल डेटा कैसे निकालोगे, ये सब तुम्हारा है। इसी कारण जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बताऊंगा मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तुम उसके देख लोगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं ना इसका डेटा साइंस का तुम्हारा, ठीक है, डेटा साइंस का और कोर सीएससी का दोनों का मैं देख रहा था। डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, इसमें ना डेटा साइंस वाले में कम था तुम्हारा, इसमें थोड़ा टॉपिक ज्यादा था, बट दोनों में है। बट कोर सीएससी लोगे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर फोकस किया जाएगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तुम्हारा, ये बोल सकते हो सिमिलर दोनों में ही था, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं था, दोनों का सेम ही था तुम्हारा। उसके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये देखना सीएससी में तुम्हारा ज्यादा नहीं है, बट तुम्हारा डेटा साइंस में ज्यादा है। उसके बाद डिजिटल सिस्टम डिजाइन तुम्हारा, ये भी तुम्हारा कोर सीएससी में नहीं था, बट यहाँ पे है। देखो, यहाँ पे डिजाइनिंग वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट, ये सब ज्यादा फोकस करता है। सिमिलरली ये तुम्हारा उसका लैब हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा लैब हो गया। और मैं बताऊंगा ना, मैं इसका पीडीएफ बना के शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं प्लेलिस्ट सब शेयर कर दूंगा। और जितने भी ब्रांच है सबका मैं यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। एक मैं पीडीएफ बना दूंगा जहाँ पे देखते इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे कौन सा यूट्यूब चैनल तुम फॉलो करोगे, जो एकेडमिक अच्छा तुम कर लोगे। साथ साथ कुछ कोर्सेस हैं, लाइक गूगल के द्वारा दिया गया है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं जो करने के बाद सर्टिफिकेट मिलने वाला, मैं ट्राई करूंगा उसका भी लिंक
दे देने का, तो वहां से कर लोगे, सफिशियंट होगा। कॉलेज पे डिपेंड होने की कोई नीड नहीं है, 80% रिसोर्सेज अवेलेबल है, जस्ट तुम्हें वहां फॉलो करना जैसा मैं बताऊंगा। उसके बाद ये सब मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। जिसमें टिक नहीं मारा हूं, जिसमें ये क्रॉस का सीन है, इसका मतलब इसमें बुक की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलो बताता हूं तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर, ये तुम्हारा आ गए फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर तुम देख लो क्या है, फिर देख लो प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है अवॉइड करना, ठीक है। बुक इसमें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इसमें बता रहा हूँ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि पूरा डेटा साइंस उसी पे, तुम्हारा यूट्यूब से वीडियो देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना होगा। उसके बाद फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, यहाँ भी देखा हूँ मैं ना कोर सीएससी से, ठीक है, कोर सीएससी से बोल सकते हो, कम था तुम्हारा डेटा साइंस में। तुम्हारा क्या है, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, यहाँ भी तुम देख लोगे सिलेबस तुम्हारा कोर सीएससी का थोड़ा ज्यादा था, डेटा साइंस में थोड़ा कम है तुम्हारा। इसके लिए तुमको बुक भी लेना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल भी फॉलो करना पड़ेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आया था डेटा साइंस में, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करना, बुक का कोई नीड नहीं है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना है। देखो जो वीडियो बना रहा हूँ ना, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ मैं, तुम्हारा प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है तुम्हारा, ये एकेडमिक में कैसे अच्छा करना है इस बेसिस पे मैं वीडियो को बना रहा हूँ। फिर डेटा देख लो, डेटा ही डेटा है पूरा, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस का लैब, एल्गोरिदम लैब और एम्बेडेड लैब, बाकी रिसोर्सेज सब मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके तुम देख लोगे, यहाँ देखो तुम आ गए फिफ्थ सेमेस्टर में अब, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हारा क्या है देख लो, वेब एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ठीक है। और तुम वहाँ पे देख लोगे कोर सीएससी में वेब टेक्नोलॉजी था, तो वहाँ पे ये सीखोगे HTML, CSS, JavaScript, PHP, वेबसाइट सब कैसे बनाया जाता है, डेवलपमेंट वाले पार्ट को सीखोगे। बट यहाँ पे तुम क्या सीखोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। कोई डेटा दिया रहेगा तुम्हें, उस डेटा रो डेटा है, तुमसे कैसे कुछ भी डेटा निकालोगे, इंपॉर्टेंट डेटा कैसे निकालोगे, लाइक कुछ भी तुम नॉर्मल, एक तुम यूट्यूब पे सर्च करना बेसिक प्रोजेक्ट ऑफ डेटा साइंस तुम्हें मिल जाएगा, फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सिस्टम ही तुम देख लेना, मैं उसका प्रोजेक्ट किया हूँ, एक फंडामेंटल आइडिया मिल जाएगा कैसे रो डेटा से मीनिंगफुल डेटा निकाला जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेम था तुम्हारा, कोई चेंज नहीं था, कोर्स ऐसे वालों के लिए ये था, इसके वाले भी थेम था तुम्हारा। डेटा आर्किटेक्चर ये बोल सकते हो सेम ही था तुम्हारा, बट यहाँ पे तो ज्यादा था एज कम्पेयर टू तुम्हारा कोर्स ऐसे वाला। डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन ये तुम्हारा तो कोड बोल ही सकते हो, डेटा साइंस के लिए ही है तुम्हारा। मैनेजमेंट तुम्हारा ये भी तुम्हारा था, लाइक सीएससी में था, यहाँ भी तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा लैब है, ठीक है। और ओपन इलेक्टिव मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी लेना है, तो मेरा केस में तो इकोनॉमिक्स था, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूरा रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल था, मैं उस ब्रांच को लेता था जो ब्रांच थोड़ा इजी होता था। इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर ना यूट्यूब पे अवेलेबल था, इसी कारण मैंने ओपन इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स लिया था। फिफ्थ सेमेस्टर समझ में आ गया। उसके तुम्हारा सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, सिक्स सेमेस्टर तुम देख लोगे, सिक्स सेमेस्टर में देखो तुम्हारा क्या है, मैथमेटिक्स मॉडल फॉर मशीन लर्निंग, समझ रहे हो, जो भी करोगे मैथ से ही खेलोगे। यहाँ पे उतना डीप कोडिंग नहीं है तुम्हारा, कोर सीएससी ले लोगे, एज अ डेवलपर बनोगे, बट यहाँ ले लोगे डेटा को ही तुम एनालाइज करते रहोगे, ठीक है। बिग डेटा, ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, मशीन लर्निंग का लैब होगा, बिग डेटा तुम्हारा, फिर वेब प्रोग्रामिंग का लैब होगा, ये तुम्हारा सीएससी में भी था, बट यहाँ पे जो तुम करोगे थोड़ा अलग है तुम्हारा उससे, ठीक है। उसके बाद तुम देख लो, उसके बाद तुम्हारा क्या है, माइनर स्पेशलाइजेशन। देखो माइनर स्पेशलाइजेशन देखोगे ना, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितने भी स्पेशलाइजेशन माइनर के अवेलेबल हैं मणिपाल के सारे कैंपस में, तुम वहां से एक आइडिया ले लेना। जैसे मेरे केस में था ना, मैंने कंप्यूटर विजन पे किया हूं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे किया हूं, उससे तुम देख लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ओपन इलेक्टिव, फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन आएगा तुम्हारा लेने का, जो भी ओपन इलेक्टिव अवेलेबल होगा तुम ले लेना। मैंने फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग पे लिया था, ठीक है, बहुत मुझे अच्छा भी लगा था, कैसे फोटोग्राफी कैसे कैसे लिया जाता है, नहीं लिया जाता, इसके रिगार्डिंग मैंने ओपन इलेक्टिव 2 में लिया था, ठीक है। उसके तुम आ जाओ सेवन सेमेस्टर, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा था, तुम्हारा सिक्स तुम्हारा हो गया, फिर तुम सेवन सेमेस्टर में आ जाओ। सेवन सेमेस्टर में तुम्हें क्या करना है, प्रोग्राम इलेक्टिव तुम्हारा होगा भर के तुम्हारा, ठीक है। पूरा प्रोग्राम इलेक्टिव में कुछ नहीं करना, यूट्यूब चैनल को लेना है तुम्हारा, और कुछ तुम्हारा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीपीटी मिलता है कॉलेज में, पीपीटी को फॉलो करना है, उसके प्रैक्टिस कुछ करना है, फिर उसके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्राई करना, कहीं से इंटर्नशिप या इस तरह कुछ करने का, या फिर ट्रेनिंग टाइप का कुछ होता है, बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं, तो वहां से कर सकते हो, वो तुम्हारा रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बना देगा। उसके बाद तुम्हारा एट सेमेस्टर आ गया, ठीक है। एट सेमेस्टर में तुम्हारा क्या होता है ना, मेजर प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा और इंटर्नशिप होता है। जिस बच्चे का इंटर्नशिप हो गया वेल एंड गुड, जिसका इंटर्नशिप नहीं होता है ना, वो कॉलेज में टीचर के अंदर मेजर प्रोजेक्ट करते हैं। देखो मैं मेजर प्रोजेक्ट में ना यूट्यूब को इसलिए बोला हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं ना यूट्यूब का रेफरेंस लेकर के ही प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। इसी कारण तुम यूट्यूब का रेफरेंस ले सकते हो, उसका तुम्हें पीपीटी भी बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस में करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। शायद यहाँ पे तुम्हारा समझ में आ गया डेटा साइंस का तुम्हारा क्या सिलेबस है, ठीक है। इतना तुम कर लोगे, इसका रिसोर्सेज दे दूंगा, तुम अच्छा तुम्हारा हो जाएगा, 3 से 4 महीने के अंदर ही तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अपना, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या है, माइनर स्पेशलाइजेशन तुम्हारा था, ठीक है। तो तुम्हारा बता रहा था ना, देख लो प्रोग्राम इलेक्टिव, देखो तुम्हारा कौन कौन सा प्रोग्राम इलेक्टिव है तुम्हारा देख लो, ठीक है। ये समय तुम किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल होगा मणिपाल कैंपस में। उसके बाद क्या है, एडवांटेज ऑफ डेटा साइंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉट्स ऑफ जॉब, रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंपनी अगर किसी के लिए आ रही है
डेटा साइंस के लिए ही आ रही है। मेरे साथ जो दो मैं टीम वर्क कर रहा है, एक का हुआ IBM में एज ए डेटा साइंस, एक का हो गया KPMG में एज ए डेटा साइंस। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जॉब है तुम्हारा डेटा साइंस के लिए ही है। तुम किसी को देख लो, ठीक है, किसी को देख लो, वेलमार्ट को तुम देख सकते हो, डेलॉइट को देख सकते हो, एसेंचर को देख सकते हो, JP Morgan को देख सकते हो, सारे के सारे कंपनी में मस्त का हायरिंग हो रहा है एज ए डेटा साइंस के लिए तुम्हारा। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग, तुम देख लोगे, मैं आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बताया हूँ, तुम गूगल करके देख लेना। ठीक है, 2018 के बाद से सबसे ज्यादा अगर ग्रो किया है तुम्हारा अभी तक तो डेटा साइंस ही किया है। 20 में तो बूम आ गया था इसका, ठीक है, 20 में पूरा बूम आ गया था। ये सारा सारा आर्टिकल्स तुम्हारा मिल जाएगा इंटरनेट पे, तुम जाके वहां पे पढ़ लेना। उसके फोर्थ पॉइंट तुम्हारा क्या है, मिनिमल कोडिंग, फोकस मोर ऑन द डेटा लेस ऑन द डीप कोडिंग। तुम एग्जांपल ले लोगे ना CSE का, तुम देख लोगे CSE में कोडिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। इसी कारण जिस बच्चे को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग थोड़ा भास्ट लगता है, डेटा साइंस के तुम करियर को तरफ जा सकते हो, बेस्ट है तुम्हारा, ज्यादा कोडिंग का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। मैनेजेबल सिलेबस मैं इसलिए लिखा हूँ, कंप्लीट सिलेबस नहीं है। तुम देख लोगे ना गेट में पहले डेटा साइंस का कोई सीट नहीं था, अब गेट एग्जाम में भी डेटा साइंस के लिए स्पेशल तुम्हारा सीट आ चुका है। मतलब बोल सकते हो 80% सिलेबस तुम्हें कवर मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो तुम देख करके अपना एकेडमी को अच्छे से फोड़ सकते हो। इजी जॉब स्विचिंग, अगर तुम देख लोगे ना, मैं मानता हूँ डेटा साइंस में तुम्हारा हाई पेइंग जॉब नहीं है, जितने भी दोस्त हैं इंक्लूडिंग मी मैं बात करूँ तो 8.5, ठीक है, 9-12 इससे ऊपर का बोल सकते हो नहीं जाता, हाई पेइंग जॉब नहीं है। मोस्ट अगर तुम पैकेज देख लोगे 5 लाख to 6 लाख का तुम्हें मिलेगा एज ए डेटा साइंस। ठीक है, उसके कॉमन टीओ रिसर्च, अगर तुम डेटा साइंस को ले रहे हो, तुम किस लिए ले रहे हो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना, अगर वैलिड पॉइंट रहा मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर तुम इस ब्रांच को ले रहे हो, एटलीस्ट किसी तो कोई भी तो कारण होगा लेने का, ये कारण तो नहीं है ना सर कट ऑफ आ जा रहा है, ऐसे तुम ले रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करना कॉमेंट करने का, तुम किस क्या रिसर्च करके तुम डेटा साइंस को ले रहे हो। ये तुम्हारा एडवांटेज था, और भी एडवांटेज है बट इतना बेसिक था, इस चीज को तुम दिमाग में रखो। उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है ना, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि लो पेइंग जॉब। ठीक है, तुम देख लोगे एज ए डेवलपर को तुम्हारा 25 लाख 30 लाख का मिलता है, बट यहाँ पे उतना नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एवरेज तुम देख लोगे 7-8 लाख का ही तुम्हारा पैकेज मिलता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाई कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा BSc करके भी तुम्हारा डेटा साइंस के फील्ड में जा सकता है, एक बच्चा तुम्हारा नॉर्मल मैथ्स करके भी तुम्हारा डेटा साइंस के फील्ड में जा सकता है, इवन कॉमर्स वाले बच्चे भी डेटा साइंस में जा रहे हैं। ठीक है, तुम देखना जब देखो तुम्हारा कोई कंपनी का ऑफ कैंपस निकलता है तो वहाँ पे देखना सारे के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, BSc वाले भी, ठीक है, जो MSc किए हुए तुम्हारा ये भी एलिजिबल रहते हैं, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल रहते हैं। इसी कारण से कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे तुम्हारा, और मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। तुम किसी कैंपस में देख लो सबसे ज्यादा कंपनी अगर आती है डेटा साइंस फील्ड के लिए ही आ रही है तुम्हारा। सेकंड पॉइंट क्या, कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो है तुम्हारा, अगर इस ब्रांच को ले रहे हो तुम्हें सीखना तो पड़ेगा ही। उसके थर्ड पॉइंट क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब, देखो इसमें गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली में नहीं है, जो भी है प्राइवेट सेक्टर में ही मैक्सिमम जॉब है तुम्हारा। लो पेइंग जॉब तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है, सब एंट्री लेवल जितने भी जॉब रहेंगे लो मिलेंगे, फिर आगे जाकर के इंक्रीज होता है तुम्हारा, बट एंट्री लेवल में बहुत तुम्हारा लो पेइंग जॉब है तुम्हारा। इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, याद रखना अगर ये नहीं है फिर पॉइंट इस ब्रांच को तुम छोड़ दो, तुम IT में किसी और में शिफ्ट हो जाओ। उसके स्ट्रेसफुल सब में रहता है, बट इसमें इसलिए रहता है ना क्योंकि तुम्हें एक रो डेटा मिलने वाला है, रो डेटा से एक मीनिंगफुल डेटा निकालना है, तो हेक्टिक काम हो जाता है तुम्हारा। क्योंकि मैं इंटर्नशिप किया हूँ, मैं 3-4 प्रोजेक्ट किया हूँ, मुझे पता चल गया बहुत डिफिकल्ट होता है तुम्हारा ये। तुम पढ़ोगे ना, लाइक जब पाइथन पढ़ोगे, NumPy पढ़ोगे, पांडास पढ़ोगे, मैटप्लॉटलिब पढ़ोगे, SQL पढ़ोगे, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो प्रोजेक्ट असाइन होगा, उसका कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारा, बोल सकते हो स्ट्रेसफुल तो तुम्हारा है। और तुम ये बताना तुम डेटा साइंस को क्यों नहीं ले रहे हो, 7 पॉइंट मुझे ये बताना तुम्हारा रिसर्च क्या है, तुम डेटा साइंस के ब्रांच को क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वैलिड रहा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो फ्यूचर स्कोप एंड रोड मैप, अगर रोड मैप देख लोगे तो मैं ट्राई करूँ उसकी रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना देने का, क्योंकि मैं दो इंटर्नशिप किया हूँ, दोनों वजह डेटा साइंस ही किया हूँ। रीजन ये था कि मेरा कोडिंग उतना अच्छा नहीं था, बट अब मेरा कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं डेवलपमेंट साइड की तरफ स्विच हो रहा हूँ। लाइक इसका रोड मैप बता देता हूँ, तुम्हारा रोड मैप ही है, तुम्हारा सबसे पहले कोई लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, पाइथन, फिर NumPy, फिर पांडास, ठीक है, फिर मैटप्लॉटलिब, फिर टेबलू, फिर SQL, फिर तुमको नॉर्मल तुम्हारा बोलते हो स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट्स, जैसे मीन, मोड, मीडियन, उसके बाद लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तुम्हें करना होगा। इसका रोड मैप है, ट्रैक में बता देने का। फ्यूचर तुम देख लोगे, देख लो फाइनेंस में तुम्हारा है, ठीक है, तुम देखते चलो इंट्रोडक्शन तुम्हारा पाइथन, तुम देख लो बहुत सारा, बहुत डेटा माइनिंग, बहुत इसका बहुत ज्यादा डिमांड है तुम्हारा। ठीक है, मार्केटिंग सब बहुत ज्यादा डिमांड है, इस बात को याद रखना। अगर तुम कॉलेज से जॉबलेस रह लोगे ना और ऑफ कैंपस तुम फाइट करने जाओगे ना, सबसे पहले तुम्हें इसी का रोल मिलेगा तुम्हें। उसका फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ ये लो पेइंग जॉब है, बट तुम्हें जॉबलेस रहने नहीं देगा ये। मिनिमम तुम्हें 5-6 लाख का तुम्हें जॉब आराम से ही मिल जाएगा, और तुम्हारा बेसिक नॉलेज है तो तुम देख लोगे सारा यहाँ पे शो हो रहा हो, तुम यहाँ पे देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तुम रिसर्च अपने साइड से भी करना। उसे कौन कौन सी कंपनी है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, देखो ट्रेडेंस जो आई थी कंप्लीट डेटा साइंस के लिए ही आई थी, ठीक है, डेलॉइट भी डेटा साइंस के लिए ही आई थी तुम्हारा, ठीक है, उसके IBM तुम्हारा, ठीक है, उसके KPMG तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा JP Morgan, फिर जे स्केलर जो आई थी ना, दो रोल के लिए आई थी, एक बार डेवलपमेंट के लिए आई थी, एक बार AIML के लिए आई थी। AIML वाले में ही डेटा साइंस वाले इंक्लूड हो चुके थे, ठीक है, बोल सकते बहुत सारा कंपनी है जो तुम्हारा स्पेसिफिक डेटा साइंस के लिए आई थी, एसेंचर भी आई थी तुम्हारा, IBM आई थी,
ये सब तुम्हारा जितनी भी कंपनी है इसके लिए ही तुम्हारा आई थी, और मैं ट्राई करूंगा ना इसके रिगार्डिंग पीडीएफ मेरे पास है, पीडीएफ में सारा कंपनी जितने भी कंपनियां हैं सारे कंपनी का मैं नाम लिख लिया हूं और किस रोल के लिए आए यही मैं बता दूंगा, ठीक है। नोकिया, कोमाबाई, डेल, ये सब तो तुम्हारा बोलते कोर्स सीएसई नेटवर्क के लिए था तुम्हारा, बाकी बता दिया। जे एस कलर तुम्हारा एआईएमएल के लिए आई थी, एआईएमएल में इंक्लूड तुम्हारा डेटा साइंस और एआईएमएल वाले थे तुम्हारा, लाइक तुम बोल सकते हो फिर एसेंचर आई थी, आईबीएम आई थी, बहुत सारी कंपनी थी उसकी रिगार्डिंग मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके जिस बच्चे को बेटर प्लेसमेंट चाहिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गुड सीजीपीए, अगर तुम्हारा क्लास टेंथ में कम भी है ना 80 नहीं है 60 से 70 भी है फिर भी तुम एलिजिबल रहोगे, जितने भी डेटा साइंस के लिए कंपनी आई थी उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा लो ही था तुम्हारा, उसे क्लास 12 तो तुम्हारा 60-70 है तुम गुड है, बट ट्राई करना टेंथ में 12th में कम है ना ट्राई करना कॉलेज में अच्छा करने का, रीजनिंग वाले पार्ट पे फोकस करो, फर्स्ट राउंड जो होगा तुम्हारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का ही होगा, फर्दर राउंड में तुम्हारा कोडिंग टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके क्या होता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसको ट्राई करना तुम लगभग 10 से 15 मिनट डेली देने का, गिग फॉर गिग पे जा सकते हो, और तुम लोगों का फीडबैक रहा मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का कौन से रिसोर्स तुम फॉलो कर सकते हो, कोडिंग स्किल तो करना ही पड़ेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छा सा लक, ठीक है। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया होगा डेटा साइंस का तुम्हारा क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या सिलेबस है, क्या डिफरेंस है कोर्स सीएसई से। इसके बाद तुम लोगों का फीडबैक रहा तो ट्राई करूंगा एआईएमएल के रिगार्डिंग बता देने का, एआईएमएल कैसे डेटा साइंस को ओवरटेक करेगा इसकी रिगार्डिंग बता दूंगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं मोस्ट ऑफ द फ्रेंड बोल सकते हो इंक्लूडिंग मी एज ए डेटा साइंटिस्ट सबका प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इसका डिमांड ज्यादा है बट जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है वही लेना। शायद वीडियो को एंड तक देखिए हो तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, मुझे बताना अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना है, किस ब्रांच को कवर करना है, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट रहेगा मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।